हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयरस्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आपको आई शेडो प्रॉपर अप्लाई नहीं करना आता है तो सिर्फ सिंगल कलर से आप किस तरह से आई शेडो अप्लाई करें ताकि इससे आपको एक अच्छी लुक मिल जाए। सिर्फ एक सिंगल कलर से मैं अलग वे से आपको आई शेडो अप्लाई करना बता रही हूँ, और जिसमें हमने रेड कलर का यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर लुक आती है। और एक ही कलर का यूज़ किया है हमने, कोई दूसरे तीसरे कलर का यूज़ नहीं किया, सिर्फ रेड कलर का यूज़ करके हमने उस आई शेडो को अप्लाई किया है। यानी ये नहीं है कि आपके सारे आईज रेड रेड हो जाएंगे, हमने पर्टिकुलर फॉर्म दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के साथ और देखते हैं हमने कैसे ये किया है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम अपनी आईज़ को कंसील कर लेते हैं। कंसील करने से हमारे जो कलर्स हैं वो अच्छे से सेट रहेंगे हमारी आईज़ पे। तो प्रॉपरली कंसील कर लेना है अपनी आईज़ को और फिर उसे लूज़ पाउडर से सेट कर लेना है। लूज़ पाउडर से सेट करने से ये बेनिफिट होता है कि हमारी जो हमने कंसील किया है, कंसीलर में कोई क्रीज नहीं पड़ती। वरना जो आपकी क्रीज पड़ जाती है और वो आपकी आई शेडो में दिखाई देती है और जो कि बहुत बुरी लगती है। तो सबसे पहले से कंसील करके अच्छे से उसे लूज़ पाउडर से सेट कर लीजिए। अब हमने टेप लगानी है। टेप आपने बाद में लगानी है, पहले कंसील करना है और फिर आपने टेप लगानी है। टेप जो है आप नॉर्मल वाली यूज़ कर सकते हैं, या मैंने यहाँ पे दूसरी डबल वाली टेप यूज़ की हुई है, आप वो ले सकते हैं। हम यहाँ पे रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। पहले हम हल्का हल्का सा रेड कलर जो है अपनी आईज़ में डायगनली करेंगे। ये हम डायगनल शेप ले रहे हैं। हमने कोई क्रीज सेट ना, यानी क्रीज सेट तो की है, यानी कि कंसील किया है, कोई क्रीज वगैरह कट नहीं करेंगे इसमें। हमने ऊपर से ऐसे किया, आप देख रहे हैं हमने एक डायगनल शेप ली है हल्के लाल रंग की, यानी कि लाइट रेड कलर की। तो हमने यहाँ पे इस तरह से कलर जो है वो करना है। तो इसको हम धीरे धीरे करके डार्क करते चलेंगे। तो ये लाइट है, अब हम इसे धीरे धीरे से डार्क करेंगे। धीरे धीरे डार्क करने से क्या होगा, ये डार्क होता चला जाएगा, क्योंकि हमें हमारी जो आईज़ पे जो हम कलर दे रहे हैं वो दिखाई भी तो देना चाहिए। इतना लाइट भी ना रखो कि वो दिखाई ही ना दे। हम उसे धीरे धीरे डार्क करते हुए चलेंगे। तो हम इसे, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसे थोड़ा सा डार्क कर लिया है, अब हम इसे थोड़ा और डार्क करते हैं। और ये जो शेप है हमने डायगनल लेनी है, हमने सीधी नहीं लेनी। हम इस तरह से आई शेडो लगाएंगे तो ये बहुत ही यूनिक लुक है और बहुत ही अच्छी लुक लगती है। तो हमने क्या किया है, डायगनल शेप ली है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से आईज़ के कॉर्नर से हम जो टेप लगाई है उस तक हम डायगनल शेप लेते हुए जा रहे हैं। और जैसे कि मेरा ब्रश मूवमेंट कर रहा है, उसी शेप में हमने लगाई है। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो हमने आई शेडो लगाई है उसके ऊपर ही हमने ग्लिटर गम लगाई है, यानी कि ग्लिटर ताकि चिपक जाए इस पर। अब हमने रेड कलर का ही ग्लिटर लिया है। इस ग्लिटर को मैं अपनी आईज़ पे डायगनल, जैसे कि मैंने लगाई थी उसी शेप में अप्लाई करूँगी, रेड कलर को ही। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया है, रेड कलर का डस्ट शेड लिया है, यानी डस्ट रेड लिया है, और उसको मैं उसी तरह से अप्लाई कर रही हूँ जिस शेप में मैंने जो है अपने जो ग्लू लगाई थी वहाँ वहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। ये अच्छे से वहाँ पर सेट हो जाएगा। और ये जो पहले कलर किया, फिर हमने जो हमारे ग्लिटर गम है वो लगाई। और अगर आपके पास ग्लिटर गम नहीं है तो आप प्राइमर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने क्या किया है, अब इसे अच्छे से थोड़ा टैप टैप करते हुए और थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए इसे लगा दीजिए, क्योंकि ये जो है ये डस्ट फॉर्म में है। और इसको हम देखिए, ये भी हमने डायगनल फॉर्म में ही लगाई है। अब हमारा जो ये प्रोसेस है, हमने इसको कम्प्लीट कर लिया, ठीक है। हमने डायगनल अपनी जो आई शेडो है वो लगा ली। तो अब हमने क्या करना है, अब हम हमारा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं, हाइलाइटर जो कि आईज़ के कॉर्नर्स में सेट कर रहे हैं, और अपवर डायरेक्शन में अपने हाइलाइटर को हम लगा रहे हैं। इससे आपकी आईज़ जो है वो थोड़ी हाईलाइट दिखेगी। वाइट कलर के हाइलाइटर का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम यूज़ करेंगे अपना आईलाइनर। आईलाइनर को मैंने पूरी आईज़ पे नहीं लगाया है, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने सेंटर से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है।
और अब मैं इसको पूरी पे नहीं लगा रही, मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपनी आईज़ को और यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ और आईलाइनर से अपनी आईज़ जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये जो है हमारा आईलाइनर भी ऑलमोस्ट हम जो कंप्लीट कर लेंगे, उसे कंप्लीट करने के बाद हम जो हमारा आईज़ का डाउनवर्ड पोर्शन है उसे कंसील करेंगे कंसीलर की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे आईलाइनर जो है वो अप्लाई कर लिया है। अब मैं टेप को रिमूव कर दूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने टेप को रिमूव किया है। अब हमने थोड़ा सा कंसीलर लेना है, कंसीलर की हेल्प से मैं यहाँ पे इसको कंसील करूँगी और एक लाइन दूँगी और इस लाइन को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप अपने फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प, जैसे भी आप चाहें आप ब्लेंड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसे कर लिया है अच्छे से, मैंने फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर दिया। आप चाहें तो आप ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कीजिए, ये आपकी विश है। तो हमारा जो ऑलमोस्ट जो आई शेडो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो बहुत ही लुक अच्छी आती है। तो ये है हमारी जो आई शेडो, जो कि सिंगल कलर आई शेडो है जो कि हमने की है और लुक भी बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक लुक है। इसमें हमने बहुत मल्टी कलर्स का यूज़ नहीं किया है और इतनी अच्छी लुक आती है और बिल्कुल पिकॉक लुक भी इसे बोलते हैं और बहुत ही अच्छा जो इफ़ेक्ट है वो प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो है आई शेडो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।